सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो सुनिए ईश्वर बरमाइंद सुनिए मुख सालाहन मंद सुनिए ईश्वर बरमाइंद सुनिए मुख सालाहन मंद सुनिए जोग जुगत तन भेद सुनिए शास्त्र सिमृत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरुदेव पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश असी देर शाम सतसंगत दा ए समा माण रहे हाँ। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान जो शाम दे समय कीता जा रहा है रचना जपजी साहिब गुरु नानक साहब का मुकामी संदेश विचारिया जाता है। चल रही लड़ी विच आप जी ने सुनिया दियां पौड़ियां विचों 9 नंबर पौड़ी जो कि दूसरी पौड़ी बनती है सुनिया दे पैकेज दियां 4 पौड़ियां विचों उसका पाठ सरवण किया है। बीते कल इसकी खास करके पैकेज की प्रारंभता हुई सी। मुख रूप दे विच जो सुने हैं एक क्रियावाची शब्द साहिब ने बख्शिश करके तो जिहड़ी इंपोर्टेंस है सानू दसी सी उहदे बारे बा तरतीब बात हुई सी। अज भी बात उतों ही प्रारंभ करांगे क्योंकि बड़ा वड्डा मजमून है जिहदी समझ तो बिना असी सिक्खी दे स्कूल विचों इन डिटेल्ड कहा जाए कि सही रूप दे विच असी कोई फायदा नहीं लै सकांगे। साहिब पातशाह जी का जिहड़ा सारा जिवें कीर्तन लै लो गुरबाणी शब्द आप आवरण लै लो सब स्रोत ते ही खड़ा है सब कुछ। जे स्रोत परपक नहीं होएगी तो बंदा सुरते आप नहीं हो सकेगा। जे आपां गुरु साहब का बचन पढ़ते हाँ जोगियां नाल बाबा जी की जदों डिबेट होंदी है खास करके उन्होंने गुरु साहब नूं क्रॉस एग्जामिन किया क्योंकि वह अपने आप नूं बड़े हंकारी ते बड़े वड्डे मनदे सीगे तो उन्हां दा ये बात सीगी कि अच्छा ठीक है असी ते साड़ी ते गुरु चेला परंपरा नूं तुसी नहीं मनदे तुसी इस चीज़ नूं बिल्कुल स्वीकारदे ही नहीं कि नाथ जोगी भी कोई चीज़ हुंदे ने या नाथ जोगियां दा भी कोई सिस्टम हैगा पर असी तुहानूं तुहाडे उत्ते कटाह करदे हां कि तुसी सानूं दसो कि तुहाडी परंपरा की है तुहाडी आखिरकार तुसी कित्थों वरसाए होए हो। उहदे बाबत सिद्ध गोष्ठ जिहड़ा सीधे तौर ते गुरु साहब ने सवाल है कवन गुरु किसका तू चेला दस गुरु कौन है तेरा किदा चेला है तू असी पूछना चाहते हाँ तो बाबा जी ने सीधे तौर पर जवाब दिता भी सिद्ध लोगो जे धरती का होर कोई बाशिंदा सम पुछदा तो मैं उन्होंने दसदा तुसी तो अपने आप में बड़े दानशमंद जिन्हों असं इंटलैक्चुअल्स कहने खवाते हो तो पता होना चाहिए है। हकीकत विच गुरु 1, 2, 4, 5, 10, 50 नहीं है गुरु वहद एक है। वह वहद एक गुरु कौन है उन्होंने साहब ने कहा शब्द गुरु उहदे नाल सांझ किवें होएगी सुरत धुन चेला जिहड़ी अधीनगी है उस शब्द की उस सुरत ते धुन ने करनी। ये दो इस किस्म के साडे अंदर कुदरत ने पाईया हुई जिन्हां नूं कहा जाए कि एबिलिटीज ने समर्थावां ने जे असीं इन्हां नूं इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा चैनलाइज करांगे इंप्लीमेंट करांगे दैन वी कैन गैट समथिंग वो जीवन के हर पड़ा दे विच्चों सानू प्राप्ति होएगी। जे असी उहदे बारे अवेयर ही नहीं होवांगे तो फिर आप एहसास करो
कि बंदे नूं खुद नहीं पता लग रहा अज जिहड़ी हालत आ मतलब नॉर्थ अमेरिका की गल करिए कनेडियन एडिक्शन मेंटल हेल्थ का डाटा साढ़े कोल है वो ये कहिंदे ने कि MH वाले वो कहिंदे ने कि हर एक पंजवां कैनेडियन मेंटली सिक है 20% पापूलेशन ऑफ द होल पापूलेशन इज मेंटली सिक हुण जदों मेंटली सिक होण दी गल करदे आ उस च असीं कहांगे कि शायद डायरैक्टली कोई डिसऑर्डरस आ रहे ने नहीं ने उहदे च डिसऑर्डरस दी गल आ रही है सरल भाव दे विच जिहनूं असीं डिप्रैशन कहिंदे आ स्ट्रैस कहिंदे आ एंगजाइटी कहिंदे आ एनी काइंड ऑफ इह आ कित्थों रही है अल्टीमेटली चंगा भला बंदा सपोज करो एक रंग होर मैं बयान करदा इत्थे तुसीं देखो किन्ना किन्नी मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज मौजूद ने किन्ना कुछ मौजूद है मैं रीसेंटली एक CBC के उत्ते उन्हां दी एक जिहड़ी हैगी रेडियो पॉड सुन रहा सीगा उहदे च उन्हां ने एक दो बंदे अफरीका दे विच जिहड़े कुछ बच्चियां नूं जिहड़े खेडना चाहुंदे ने टैलेंट हंट कर रहे हैं तो उस टैलेंट हंट करने के दौरान उन्होंने कुछ टीमां बिल्ड कीतियां ने कमाल दियां सॉकर विच खास करके वो जिक्र करता है कि मैं उत्थे जा के जो देखिया तो मतलब स्लम बनी है वड्डी सारी किसी अफरीकन वड्डे शहर की गल करता टोटली झुग्गी चौंपड़ी गंदगी अनह्यूमन मतलब कंडीशनज ने उत्थे जानवर भी नहीं होना चाहिए पर बंदे रह रहे हैं उत्थे मैं गंदगी के ढेर के उत्ते जिथे मतलब वो कहिंदा भी यू कैन फाइंड आउट anything, any kind of hazard which actually will be definitely dangerous for human body or human health. That kind of exposure shouldn't get any actually adult or any jada haga grown person. But kinda chote chote bache khel rahe no de vich jadiyan ne khas karke affected needles ne kachya duniya parda utthe garbage. तो कहिंदा बच्चे उत्थे खेड रहे ने उस रूप दे च तो उन्हां बच्चियां नूं मैं खेडदिआं नूं देखिआ ना उन्हां दे कोल शूज़ ने ना कपड़े ने ना बॉल आ लीरां बन बन के खिद्दू ते उहदे नाल ही उह जिहड़ा उत्थे खेड रहे ने कहिंदे मैं कहा कमाल है बच्चिआं दे उहदे च कुछ बच्चे मैं हंट कीते खास करके मैं जिहड़ी हैगी है उत्थे एक विमेन टीम एक बच्चिआं दी टीम जिहड़ी उह बिल्ड करन दी सलाह बना रहा सीगा ते उन्हां दे विचों एक बच्ची बहुत छोटी जी उम्र दी उन्हूं मैं जिहड़ा हैगा उन्हूं देखिया खेड दी नूं उन्हूं मैं कहा कि हाँ मैं तैनूं कुछ एक्सट्रा इंसेंटिवस देवांगा या कुछ उस रूप विच कुछ लालच दिता लालच की मैं तैनूं शूज़ देवांगा तो वह जिहड़ा बंदा मेरे नाल मेरी हैल्प कर रहा ना तो वह मैनूं कह रहा भी तू इहनूं शूज़ ना दे के घर ना भेज दी मैं कहा भी वह क्यों कहिंदा दो कारण होणगे एक तो यह भी शायद घर ले जा भी ना सके राज को खोलेगा यू नो एहोजा माहौल है उत्थे एंड सैकेंड ए कि यह दोबारा फिर आएगी भी नहीं क्योंकि इन्हें होना है भी तू शूज़ वापस लै लेने भावें तू दस वारी कह दे भी नहीं नहीं शूज़ तेरे नो कहिंदा क्योंकि यदि इत्थे इस किस्म का कल्चर आ इहदा मतलब जे तू खड़ाउणा चाहुंदा इहनूं शूज़ पा इहनूं कह खेड जदों खेड ले शूज़ उतार के अपने कोल रख लै कहिंदा दैट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी आई वॉज थिंकिंग वट Why are you saying that? Why should I do? I should actually have two pairs. No. I'm trying to teach you reality of this actually slum or reality of this world. Kenda khair unnu shoes ditte. Oh shoes paake kamal da kheddi. Pahli vari unnane jadi hai hawa parke jadi hai ghiye air jadi is tarike de naal jadi fulli hui ball hundi hai. Unnu unnane de khair flamed. Te oh khed rahe ne kamal da bache. Khair. ਇਹ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੱਭਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਟਸ ਰੋਂਗ ਵਟ ਹੈਪਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ 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 ਪਲੀਜ਼ ਐਕਚੁਲੀ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਈਵਨ
don't think I will come to play at your place and all that. Kehnde ki hoya, unne fir apni story sunayi. Oh bachi hai ki ye 9.5 saal di, ohde do chote siblings ne ohdi maa sikhya, te ohdi maa jehdi hai oh bohta kam kar nahi kar sakdi. Oh bachi jehde gandgi de garbage de ter ne utthon garbage collect kardi hai. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਾਰਬੇਜ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ 9.5 ਵਰੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਇਮੈਜਿਨ ਈਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੋਟਲੀ ਫੋਕਸਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਬਾਰੇ ਇਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਬਿਫੋਰ ਬੋਲ ਐਕਚੁਲੀ ਕਮਜ਼ ਐਨੀ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਚੁਲੀ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਸ ਦੇਅਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਔਨ ਏਅਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਲਾਅ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਲ ਓਫ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਪੋਇਲ ਕਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਦੇ 4 ਘਰ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਫਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ $2,000 ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 4 ਦਾ $8,000 ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਟਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਭੰਗ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਓ ਖੂਜ ਜਾਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਹਿਣ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੇ ਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਰੂਪੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਟਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਲਹ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੁਫਾਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪਛਮੀਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
फिर लंबा समा उस पैदा की हुई परेशानी नु अपने कोल नहीं रखता, कहिंदा नहीं नहीं मैं पैदा जरूर कर दी, बना जरूर दिता सारा कुछ, पर हुण हुण जिहड़ा कलबूत है ना साडा तन, ये बीमारी बना के हंडाए इहनू, फिर तन बीमारी बना के हंडाउंदा उस रूप दे विच। इहदे नाल फिर लोग कहिंदे ने भी हुण मैनू दवाई भी चाहीदी, डॉक्टर कहिंदा कि कैमिकल इंबैलेंसमेंट हो गई। ये किवें हो गई, ये ब्रेन चो किहड़ी चीज़ खा गई, वो जिहड़ा मन हर वक्त इक्को चीज़ ते वार वार जाई जांदा सीगा उत्थे, वो करद्या करद्या उन्हें मैगनीशियम इंबैलेंसमेंट कर दी, आयरन इंबैलेंसमेंट कर दी, प्रोटीन के जिहड़े न्यूट्रॉन्स प्रॉपर कार्ज सी सही ब्रेन दे पहला हुण उन्हां च जिहड़ी हैगी डिस्ट्रक्शन आउणी जिहड़ी है आउणी शुरू हो गई। सो दैट इज़ द पाथ, अज मॉडर्न साइंस जो सारियां चीज़ां निकल के सामने आ रही हैं। हुण जिहड़ी बात है वो है स्रोत बदलो, स्रोत उचेरी करो, चंगेरी करो। ये संगत का ही बेसिकली एक जिन्हों कह मौजूअल कह लो, संगत का ही एक रूप कह लो। संगत दे विच उत्थे जिथे बंदा इंटेंटिव लिसनर होवे, माफ़ी मंगांगा मैं, आप एहसास करोगे बंदियां नूं उमरां लंघ जांदियां ने, गुरु के दरबार आउंदियां गुरु की हजूरी बैठदियां तो उन्हां नूं कुछ गुरमत दे कॉन्सैप्ट बारे गलबात करो तो मोस्टली उहदे चों बिल्कुल ना वाकफ हुंदे ने। की होया, इन्हां दी पार्टिसिपेशन ते रही गुरुद्वारे दे विच, इह मौजूद ते रहे पर इन्हां ने लिसन नहीं कीता। They haven't actually actively participate as a listener. जिहड़ी इंटेंटिव जिहड़ी सही रूप दे पूरी इंटेंशन दे नाल, एक रंग होर देखो जिवें मैं हुण बोल रहा आप सुन रहे हो बैठ के, इट सीम्स लाइक ए टोटली पैसिव एक्ट इज हैपनिंग राइट नाउ। मतलब मेरा ही रोल है ना, कल्ला मैं ही बोली जा रहा, आप सिर्फ बैठे हैगे हो, बट इन डीड तुहाडा बड़ा वड्डा रोल है इहदे च। जो कुछ बोलिया जा रहा हैगा उन्हों तुसी स्रोत करके ग्रैब करना है, दैट इज योर रोल। फॉर दैट यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी विद 100% एनर्जी। इफ यू आर नॉट हेयर इन दैट एक्चुअली काइंड ऑफ जी है उस प्रेजेंस दे विच, तो डेफिनेटली ये फिर जिन्हों भाई गुरुदास जी कहते हैं भी चीकना कड़ा तो भी पुट्ठा वजा उत्ते नलका गिड़ी जा रहा, खूह का पानी पही जा रहा, डन वह रूप तैनू माणी बाणी चो बचन पढ़ो। असीं बाणी दा उपदेश पढ़ते हैं, साहब कहिंदे उपदेश जे दिता सतगुरु, सतगुरु उपदेश दे रहा है। सिख जी वट्स योर ड्यूटी देयर, तुसीं उहदे उहदे नाल किस किस्म दे नाल अपनी एसोसीएशन बनाउणी है। उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, सिख जी कन्न दे। अज दी मॉडर्न जिहड़ी हैगी साइकोलॉजी च आ जाओ, वह कहिंदे ने कन्न ते मन दोवां दा बहुत गहरा रिश्ता है। जिहड़ी चीज़ तुहाडे कन्न विच नहीं ना पै रही मन विच कदी नहीं पै सकती, मन विच उही जानी है जिहनूं कन्न अपने विचों गुजारेगा, अपने विचों छाण के लैके जाएगा। स्रोत स्रोत विचों ही असल फिर सुरत बिल्ट हुंदी है हौली हौली करके। एक रंग होर लैणा इहदे नाल, वैसे कुदरत ने सानूं बहुत सारी एबिलिटीज़ दित्तियां ने, पर जे किते बंदा अपने इनर उस सारे सिस्टम नाल अलाइन हो जाए, जैसी बचन पढ़ देना एक चित जे एक छिन दिहायो काल फास के बीच ना आयो। एक चित चितवनी एक हो जाए फिर एक छिन ही बड़ा, एक बार कही हुई बात डीप लैवल से उकर जाएगी, तो उकर जांदियां ने। कई बार सुरत इतनी मतलब हाजिर होंदी है, इस तरीके दे नाल प्रेजेंट होंदी है, कोई गल आउंदी है उहदे नाल इस तरीके नाल एसोसिएट होंदी है, पक्के तौर पर लाइफ टाइम तुहाडी प्रॉपर्टी बन जाती है। कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां ने तुसीं 50 वारी पढ़ते हो 50 वारी सुनते हो, पर उस तो बाद फिर बंदा कहिंदा आह विसर गए, इहदा मतलब सुरत अलाइन नहीं। इत्थे फिर कुछ मैडिटेशन का रंग भी हैगा, ध्यान जिहनूं कहिंदे आ असीं। ये अनफॉर्चुनेटली गल ये हो गई है कि इतना ज़्यादा शोरगुल आले दुआले है साढ़े कि सानू, सॉरी टू से मैं फिर हाथ बन के माफ़ी मंग रहा हाँ, आप अपने कीर्तन दे खास करके स्कूल नू देखो, कीर्तन दे स्कूल दे विच मतलब कितना साजां दा रौला कितना कुछ आ गया है। जिसी थोड़ा जा पिछोकड़े चले जाओ तुहानू जिहड़ियां साजां दी आवाज़ है ये बिल्कुल ना मात्र ते मध्यम मिलेगी।
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗੀਤ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਧੁਨ ਪਤਾ ਸੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੰਕੀ ਬਾਂਦਰ, ਨੰਬਰ ਦੋ ਹਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਦਰ ਆ, ਬਾਂਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬਹਿਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਕਦੀ ਪੂਛ ਲਾਤੀ, ਕਦੀ ਕੰਨ ਲਾਤਾ, ਕਦੀ ਸੁੰਡ ਲਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹਿੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਵੇਂ ਤੋਂ ਕਸਵੇਂ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬੀਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਨਹੀਂ 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 ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ 'ਚ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਬ ਤਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਓਬਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਪਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਫੀਲ ਰਿਲੈਕਸ ਆਫਟਰ ਵਰਡ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਣਨੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਜਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ GPS ਨੂੰ ਦੇਖੋ, GPS ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ GPS ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਲ ਦੀ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ। ਮੇਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ,
कामयाब नहीं हुई। तुसी किसी भी कंपनी च कॉल करो, कोई मतलब प्रोडक्ट उस लैवल ते तुहानू मोस्टली सारिआं दे च फीमेल वॉइस मिलेगी इस रूप दे च। इहदा रीजन की है? रीजन एक ही हैगा कि उस आवाज़ विच इक ते कहिंदे ने कि उहदे च थोड़ी जिवें ना मतलब एक सिल्कीनैस हुंदी है इस रूप दे विच, जिहड़ी एकदम कन्नां नूं सूद करदी है। एंड सैकेंड लैवल दे उत्ते जदों उह आवाज़ आउंदी है, सामने वाला थोड़ा जिहा कंसनट्रेट वध हो जांदा है। सो उहदे करके उह चीज़ बात बनदी है। हुण की है, डॉक्टर ने मरीज नूं कुछ दसना है, पेशेंट नूं कुछ दस रहा हैगा, मेडिसिन मेल डॉक्टर भी सेम दे रहे हैं, सेम इलाज वो सारे वास्ते, पर कल्ली मेडिसिन नहीं, उहदे नाल कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शनस होंदियां ने। जिवें एक इंस्ट्रक्शन ये हैगी है भी डॉक्टर ने यह कहना हैगा पेशेंट नूं भी आ मेडिसिन हैगी है, तो तुसीं इहनूं ना रैगूलरली खाने तो पहला खाना। हुण उहदा खास करके खाने तो पहला खाण का मतलब की है, साढ़े ना सिर्फ इन्ना कि हिस्सा जिहड़ा सारे साडे मैदे नूं सारे कासे नूं कंट्रोल करता हैगा, ये जिहड़े ग्लैन हैगे ने इत्थे, ग्रंथियां जिन्हां नूं कहिंदे आ असीं। अजकल तो काफ़ी लोगों को समझ आ रही है ये बारे, जिमें खास करके इंसुलिन की गल हों, इतें ही ग्लैन भी जिमें थायरोड की गल हों, आही ग्लैन है सिर्फ थोड़ा जिहा इस रूप दे विच। ग्लैन तो रस पैदा करता, कैमिकल पैदा करता। हुण जिहड़ा खास करके कोई दवाई खाने तो पहला खानी है, मतलब ये कि इस तो पहला खाना जाए उस तो पहला ये ग्लैन जिहड़ा हैगा इत्थे कोई एक्टिव हो जाए तो खास किस्म का कैमिकल रिलीज़ करना शुरू कर दे। खाना जाएगा, खाने के विचों कोई एलर्जी होनी है, कोई जिहड़ा हैगा डाइजेस्टिंग सिस्टम इशू आना है, कोई पेट च ऑलरेडी अलसर पनप रहा हैगा, उहदे विच किसी होर किसी किस्म का जिहड़ा हैगा इजाफा होए, कुछ उस सारे तो रोकण वास्ते दवाई पहला चली जाएगी, वह कैमिकल जिहड़ा हैगा वह शुरू हो जाएगा बनना उस रूप दे विच। हुण मेल डॉक्टर ने कहा, तो एक तो उहदे कहण दा हो सकदा ढंग उहो जिहा होए, उहने कहा उहने सुनिया ना सुनिया एक बराबर, फीमेल डॉक्टर ने कहा तो उहने दोबारा कहा भी अंकल जी आंटी जी मैं तुहानूं फिर दस रही हाँ, एक गोली खाने तो पहला खानी है। उस गल का असर पेशेंट ते ज्यादा होया, पेशेंट ने उन्हूं ज्यादा ध्यान नाल सुनिया, उन्हूं फिर पेशेंट ने फॉलो करना शुरू कर दिता। यह है लिसनिंग दा, तुसीं छोटी तो छोटी इंस्ट्रक्शन नूं देखो। जदों असीं कहिंदे आ रियलाइजेशन, डॉक्टर पेशेंट नूं रियलाइज कराउंदा है तेनूं आ चीज़ लोड़ींदी है, जरूरी है, चाहीदी है। जे ये चीज़ बंदे नूं रियलाइज हो जाए किसी लैवल ते, बंदा हौली हौली अपने आप में चेंजेस लिया शुरू करता हैगा। ये है सही रूप दे च लिसनिंग दी जिहड़ी खास करके उहदी पावर कह लो, उहदी उहदा खास करके मिराकलस इंपैक्ट कह लो साडी लाइफ दे उत्ते। गुरु साहब दे बारे बड़े डीप लैवल ते बात करदे, बहुत सारिया बातें अजे होर भी ने, आउंदे दो पदियां च बात करांगे, पर मैं हुण जिहड़ी बात कहन लगा सीगा साहब ने जिक्र किया, सुनिया जे आप जी उस रूप दे विच इंटेंटिव लिसनर बन सकोगे, उहदे करके सुने हैं ईशर ब्रह्मा इंद, ईशर शिव नूं कहा गया, यह वार वार बाणी च बात आएगी शिव दी, शिव शक्ति दी। इस किस्म दे नाल माफ़ी मंगदे फिर इस रूप च बात कहां कि ना मुश्किल बनी कि अंग्रेज़ जदों उत्थे पहुंचिया ते अंग्रेज़ दे सामने जिहड़ा खिता सीगा वह खिता कई मुल्कां च वंडिया सीगा। अंग्रेज़ जे बंगाल च पहुँचदा है ते बंगाल एक सूबा सीगा, उस सूबे दे विच अगां कई सूबे सीगे, उहदे नाल फिर अवध सूबा सीगा, बिहार ते यूपी उहदा हिस्सा सीगा, उतरले पासे हैदराबाद निज़ामे हैदराबाद बैठा सीगा, आंध्रा करनाटक दा सॉरी जिहड़ा हैगा आ उड़ीसा का उड़िया का यह सारा इलाका वो पैंदा सीगा, फिर थोड़ा अगे मैसूर का नवाब सीगा, सो ये स्टेट सीगियां अपने आप दे जिस किस्म दे नाल अंग्रेज़ उधरों तुरिया स्टेट्स नूं एक 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 करके सारे अपने कंट्रोल च लैंदा गया, अखीर फिर उन्हें एक फुल फ्लैश स्टेट बना ली जिन्हों उन्हें स्टेट ऑफ इंडिया कहा सीगा, सतलुज दरिया तक। ये सारा कुछ ऑलमोस्ट उन्होंने जिहड़ा हैगा आ 1785 तक उन्होंने डन कर लिया सी, दे वर ऑलमोस्ट एक्चुअली इन दैट काइंड ऑफ कंट्रोल। उदों ही सरदार भगेल सिंह दिल्ली पहुँचया है, दिल्ली शायद उस तो पहला सरदारां कोल हुंदी सिखां कोल हुंदी, पर कुछ जिहड़े अजे जथेबंदक अजे बड़ा प्राइमरी स्टेज से सारी बात ना हो सकी तो फिर जिहड़ा हैगा बहादुर शाह रंगीले तो
उधर चली गई, दूजे पासे वो फिर जिहड़ी हैगी है ब्रिटिश रेजीडेंसी ने अपने अंदर लै ली, फिर दरिया सतलुज तक, फिर अखीर साढ़े नाल जिहड़ी ट्रीटी हुई अंग्रेज़ां की 1809 दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे वेले 1809 दे विच वो ट्रीटी हुई। उस तों बाद दो स्टेट्स आपस विच कोरसपोंडेंस कर दियां रही, देश पंजाब ते भारत, सतलुज उहदा सरहद सीगी, देश पंजाब दा हिस जिहड़ा इलाका बड़ा वड्डा सीगा, इधर दरिया सतलुज तों लैके परले पासे दरिया सिंध तक, उपरों तिब्बत तो लैके जिहड़ा चीन कोले सारा दा सारा इलाका पूरा उपर वाला, थले सूबाए सिंध तक, कच्छ दा इलाका जिथे जाके गुजरात जाके खत्म हुंदा है, मतलब इस रूप च एडा वड्डा इलाका सारा। तो मतलब उस सारे दौर दे विच जिहड़ा सिख स्कूल ऑफ थॉट सीगा, वो समाज दियां जिहड़ियां बणियां होईयां पुरानियां रवायतां बन सब किस्म दा, मतलब जिहड़ा ब्राह्मण द्वारा पसारा होया कूड़ सीगा सब त्याग दिता उहने, वह बिल्कुल खालसी रवायतों वाले पासे तुर पिया। पर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बिहेवियर की वीकनैस हैगी है साडे सरदार ते खास करके महाराजा रणजीत सिंह दे उहदे जीवन च सानू बहुत सारिया कमियां दिसदियां ने, कुछ सीगियां कुछ लोगों ने ज़्यादा प्रजेंट कर दीतियां। खैर 1849 दे विच अंग्रेज़ देश पंजाब ते भी काबज हो गया, जदों देश पंजाब ते काबज हो गया इन्हें उही रूल रेगुलेशन उत्थे लागू कर दिते, 49 तो लैके 50 दे नेड़े ते 57 तक इहदे वास्ते हालात विगड़ गए। 57 दे विच छोटा जिहा गदर कीता कोई पुरबीए फौजियां ने, जिहदे च मतलब कोई बहुत ज़्यादा दम है नहीं सीगा, वह जांदा लगा, फिर सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन दे अंडर आ गया जिहड़ा इंडिया कलोनी सीगी उहनां दी, ते 1857 तो लैके ते 1947 तक गालबन जिहड़ा हैगा 90 वरे दा समा, यह समा बनिया ते उत्थे रूलरस रहे, जितने ये फिर रूलरस रहे। सैकेंड वर्ल्ड वार दे चरण पार्टीसपेशन करना पिया, सैकेंड वर्ल्ड वार दे पार्टीसपेशन दे विच इन्हां नूं बड़ा वड्डा चैलेंज सीगा, मतलब हिटलर जिन्ने पूरा यूरोप इनवेड करके रख दिता, दूजे पासे मोसोलिनी, उतले पासे जापानी, उन्होंने ने आ हवाई ढाया परले पासे ओ इंडियन कलोनी नूं जा उन्होंने ने जिहड़ा हैगा मत्था लाया, ये कांप खा के इस रूप च बात किवें बणे। खैर इन्हां नूं सब तो वड्डी जिहड़ी मदद मिली, बाकी तिन्हां कोल काफ़ी कुछ रिसोर्स सी सब कुछ सीगा, पर 2.4 million ट्रूप्स कल्ले इंडियन सब कॉन्टीनेंट चो आए कलोनियल पीरियड के दौरान, जिद 90% सिख सीगे, एडी वड्डी नफरी, वो खाना अद्धा खाते सी लड़ते दुगुणा सीगे, मतलब एक कमाल की चीज सी, ये वेख के बड़ी हैरानगी हुई। फिर उस तो बाद की होया, उन्हें चो कुछ बंदे जिन्होंने कुछ अकल आई, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई जिन्होंने इंडियन नैशनल आर्मी कहिंदे सीगे INA, जिहदा असल दे च जिहड़ा करता सीगा मैनूं एग्जैक्टली जिहदा याद रहा सरदार साहब काफ़ी समा बाद विच वी रहे हो, सुभाष चंद्र बोस ते पोलीटिकल विंग का बंदा सीगा सर, उह ते पोलीटिकल विंग का बंदा सी, उहदे पोलीटिकल विंग करके लैके गए सी, एक्चुअली साडे सरदार साहब सीगे जिहड़े सारे इंचार्ज सी, उह सारे ते बहुते बहुते उहदे च बंगाली ते सिख दो ही सीगे, उह बहुता होर कोई इलाके चो बंदा नहीं सीगा, जे तुसीं सारा रिकॉर्ड देखो उहदे सारा रिकॉर्ड मिल जांदा उस रूप दे च। खैर अंग्रेज़ लई इह मुश्किल बन गई कि हुण इलाका छड्डना पैणा, पर इलाका छड्डण वास्ते जदों पावर जिहड़ी है ट्रांसफर होनी है उहदे वास्ते कुछ ना कुछ कोई ना कोई ग्रुप ते लभिया जाए ना, एलीट लभिया जाए जिहदे नाल कीती जाए। उस सारे दे विच होया कि साढ़े कोल एक तो नफरी घट सीगी, एक पिछों चैलेंजेस तुरे आउंदे सीगे, ते दूजे लैवल ते कुछ वक्त दे हालातां नूं नजिठण वास्ते तालीम प्राप्त कीता होया जिहड़ा ग्रुप सीगा जिहनूं तुसीं लीडर कह सकते हो, ये घट सीगा। सो उहदे च जो होया तुहाडे सामणे है, उस कहानी वंड दे तहत कोई 1 million दे करीब परिवारां दे जी मरवा के, ते जिहड़ा नुकसान होया प्रॉपर्टीज़ दा ते होर सारे दा, उहदा ते कहना ही की हैगा, ट्रिलियनस ऑफ ट्रिलियनस डॉलर भी कीते जाण ते शायद थोड़े होणगे, मतलब कल्ले लाहौर शहर की बात ही करो तुसीं ते लाहौर शहर की जिहड़ी वाबस्तगी हैगी है 70% तो वध तुहाडे बंदियां कोल सीगी, तो मुड़ के तुसीं बाकी ते बात ही छड्डो ना, शहर की गल करदा पिंडां थावां ते जमीनां और टोटल उस रूप दे सारा दा सारा सारे सारे इधर आ गए। तो इधर यह भी आया कि जो इधर आए तो आउंदियां नाल जिहो जिहे फिर इधर आ के तुहानूं उन्होंने मतलब रुतबे दिते, जिहो जिही बात तुहानूं तुहाडे बारे पेश कीती कि जराइम पेश ने इस तरह ने इस तरह ने, फिर एहसास हो गया भी क्यों कीतो वे सा, आखिरकार आ की कीता है। फिर बड़े लोगों ने उस तो बाद चीज लिखे चीज़ा भी लिखिया कि वादे जो कभी वफा ना होए,
वो मतलब फिर कसक आ गई उस रूप दे। बाकी यह है भारतीय खिते या किसी भी दुनिया के खिते ना सारे लोग माड़े होंगे ना सारे लोग चंगे होंगे। मैं सवेरे एक CBC के उत्ते ब्लैक विमेन की एक इंटरव्यू सुन रहा सेगा एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वॉज प्रजेंटिंग वन ऑफ हर बुक टू दैट होस्ट एंड दे वर डिस्कसिंग ऑन एक्चुअली हर राइटिंग्स एंड दैट टाइम शी आस्क्ड हर सो मैनी क्वेश्चन। वन क्वेश्चन वॉज अफ्रीका तो आए थे पहले सस्का ढूंढ रहे फिर ऑटवा चले गए। वो कहती भी तू जड़ा हैगा अराउंड वो इतने फैमिली आई होनी है 83-84 के नेड़े। कहती भी तू रेसिजम इतने आके देखा होएगा। कहती हाँ थोड़ा बहुत देखा उस रूप में। तो कहती फिर तू रेसिजम बारे कहती मैं तुम एक छोटी जी गल दसती हैगी हाँ कि रेसिजम वर्सिज वेलकम काइंड ऑफ एटीट्यूड कहते दोनों जो मैं कंपेयर करती हाँ ना तो वह बहुत कितने ना मात्र थोड़ा जहा नज़र पिया मैं ज़्यादा नहीं गा होया थोड़ा बहुत होया कि बच्चों ने किया किसी रूप में। पर जे मैं कहा भी सिस्टैमिक सिस्टमैटिकली पूरे के पूरे उस तरीके रेसिजम मिलया हो हर बंद ही रेसिस्ट मिलया मैं कहते ऐसा कुछ नहीं है। बड़े वधिया जिहड़े वाइट टीचर प्रोफेसर नेबर्स बड़े लोग मिले जिन्होंने बड़ा प्यार सुने बड़ा कहते कोई ऐसी बात नहीं है। सो इस करके मौलिक रूप में जी गल सारी कम्यूनिटी ना पूरी तरह माड़ी होंगी ना कम्यूनिटी चंकी होंगी। कम्यूनिटी हर तरह के बंदे होंगे उस माड़े भी होंगे चंगे भी होंगे ने पर एक हुंदा की है एक लैवल से कम्यूनिटी कम्यूनिटीज़ के बारे एक बार एक नोशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है जदों उत्थे उस ढंग काम नहीं किया जाता। सपोज करो अमेरिकन सोसायटी बारे गल की जाए ट्रंप एरा तो पहला ओबामा जिहड़ा सीगा प्रेजिडेंट सीगा एंड आई स्टिल एक्चुअली रिमैंबर द हैडलाइन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स वैन एक्चुअली जो ये वॉन करता है इलैक्शन वॉन करता है ओबामा तो लिखते हैं कि ब्लैक इन वाइट हाउस दैट वॉज देर एक्चुअली जी हैडिंग सी भी वाइट हाउस के ब्लैक पहुँच गया। इस तो 400 साल की हिस्टरी के जिन्हों स्लेव बना के लिया अज इतने जो प्रेजिडेंट बन गया बड़ा ग्लोरी ऑफ दैट सोसायटी कि कमाल की चीज सी पर वो एरे तो एकदम बाद तुसी देखो तो की बनया हुण उत्थे जिहड़ा प्रेजिडेंट बैठा हैगा एक अजीब हालत बना दिती है मतलब ऐसी दशा बना दिती है कि जिहदे बारे सोचा भी नहीं सी जा सकता किस किस्म दे नाल लोकां नू जिहड़ा हैगा पीपल विद कलर पीपल विद डिफरेंट जिहड़े डेमोग्राफिक्स एंड पीपल आर एक्चुअली हेटिंग ऑन स्ट्रीट देर ऑल आउट लाउड सेइंग वी डोंट लाइक दैम That was never ever happened actually have been happened in ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰ 70s ਤੇ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਾਏ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ कौम है सरदार की कौम है गद्दार की इस किस्म दियां चीज़ां जिहड़ियां लियांदियां गईयां। हालांकि पिछे तुसी देखो 71 च की होया 65 च देखो जनरल हरबख्श सिंह मतलब बिल्कुल सामने डाटा कह रहे पर अजीब दशा हालत की कीती जाए तो उस तो पिछे 47 ते फिर फ्रीडम ते सारे का सारा पिछे तक रंग देखो सारा पर वो सारा कुछ वाश आउट करके तो इको चीज़ के उत्ते लैन दी फिर वो सारे दे विच होया साढ़े भी फिर जिहड़ा हैगा वड्डे लैवल तक बिटरनैस आनी शुरू हो गई। तो बिटरनैस अजे है इट्स ऑन सरफेस इट्स नॉट एक्चुअली वी कैन नॉट डिनाई दैट बिटरनैस नहीं हैगी दोवें पासयां दे विच उस रूप दे विच ते इह किते जा के मतलब बड़े दे वास्ते एफर्ट पाउणे पैंदे ने जदों किते बंदा थोड़ा बहुत उस लैवल ते लैके आउंदा हैगा। हुण जिहड़ी गल आउंदी है बाणी दे विच ईश्वर ब्रह्मा इंद जदों एवें दीआं गल्लां असीं पढ़दे हाँ ते फिर कई वारी इह वी हुंदा वी साडी इक इहो जिही धिरवी जिहड़ी कहिंदी बस इहनूं कंडैम करो बस इनू तो हूँ ना साढ़े माफी मांग साढ़े प्रोफेसर होंगे सके उन्होंने जो कि गल कह जिमें कोई नाम की गल आ रही कुछ आ रही उन्हें ठीक उस रूप दे तो जिन्हें कहना कहो रे पंडित ब्राह्मण कबके होए कहते हाँ हूँ इतने 2 घंटे ठहरते हैं हूँ गल करते हैं चंगी तरह हमने पंडित बारे गल हों मतलब उन्होंने एन प्रेस ला के तवा लाना इस रूप के जी बात है एक्चुअली इमोशनस विचों आ रही जी हूँ ईश्वर की गल की जा रही है शिव की गल की जा रही है। शिव का रंग देखो की है शिव नूं मौत का देवता मनिया गया होर कुछ आवे ना आवे बंदे नूं मतलब है बलास च गल कही जाती वैसे
लिखण वाला नरेंद्र सिंह कपूर है, वह कहिंदा किसी नूं पढ़ना आवे, किसी नूं सलीके नाल बोलना आवे, किसी नूं जिहड़ा हैगा रहना सहना आवे ना आवे, पर एक चीज़ पक्की आएगी, मौत। दैट इज़ क्लीयर। बंदा ये इस तों ते भज नहीं सकदा, ते आएगी आएगी पक्की उस रूप दे विच। सो इस करके उस खिते दे विच इक मौत दा देवता बनाया गया, उहदी पूजा शुरू कर दित्ती लोकां ने। जदों असीं उस लैवल ते देखदे हाँ ते हकीकत यह है, बंदे नूं समझ पैदा होए, बंदे लेटर और सोनर तू जाना, तू देवता बना के पूज भी लेंगा, ते आखिरकार मौत ते छुट्टन नहीं ना लगा था। आप कबियो बाच बेनती पढ़ो, असी बचन पढ़ते हैं, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। मतलब बंदा कहिंदा ब्रह्मा वड्डा है, बंदा कहिंदा शिव वड्डा है, बंदा कहिंदा नहीं नहीं विष्णु वड्डा है, उत्ते बचन कहा गया काल ना वड्डा होया सारे नालों, जिहड़ा सारे नूं खा गया। सो इस करके काल ते आएगा। हुण चीज़ नूं समझिया जाए, जिहड़ी शैव बिरती है, ये अहसास चले जाना कि जिंदगी दे विच बंदा अपना मौत का द्योता आप बने। मौत का द्योता आप बनन तो मुराद साढ़े अंदर दुनिया भर की गंदगी विचारां दे रूप में, ख्यालां दे किरदार दे रूप में रोज़ पैदा होंदी है, बंदा शिव बने, उन्हूं उदयाहू ला ला के रखी जाए। जिवें साहब कहिंदे ना, शब्द मरो फिर जीवो सद ही। जिहड़ा शमशीर है ना, जिहड़ी मतलब बहरूनी तौर पर चलानी, ये तो किते जब आव की औध निधान बने, ये तो उदों है, चुंकार अज हमा हीलते दर गुजश्त, जो तो सारे राह जेड़े ने लै जाण उदों बंदे नूं जाके शमशीर दे दस्ते नूं हाथ पए। पर हाँ, ज्ञाने की बढ़नी मने हाथ लै, कातरता कुतवार बुहावै। अपने मन दे हाथ दे विच जिहड़ा हैगा रोज छांगण वाला वढ़न वाला हथियार फड़ के रोज वढ़े, रोज मारे अपने अंदरों जो माड़ापन पैदा हो रहा है, जो कोझापन पैदा हो रहा है। सुनिए ईशर, तुसी ये बन सकते हो, ते जे मारांगे ते मारिया ते खाली हो जाएगा। फिर क्या गया ब्रह्मा, भाव उत्थे उत्पत्ति भी होए, उत्पत्ति किदी होएगी, चंगेरे विचारां दी, चंगेरे रिप्लेसमेंट है, एक्चुअली सारी रिप्लेसमेंट है थॉट्स दी। तुसी इस तरह जाणो, बोटानिक साइंस जो तुहानू बात समझ आएगी, साढ़े इत्थे मौसम बदलता है, साढ़े फ्रंट या फ्रंट के उत्ते या बैकयार्ड के जो थोड़ी बहुत स्पेसिस होंगे ने, असं उन्हें थोड़ा बहुत ग्रीन स्पेस इंजॉय करते हैं थोड़े दिनों लिए। हूँ वे हैगा कि बंदा उत्थे प्रॉपरली घा ना लाए, प्रॉपरली चीज़ा ना बीजे, फुल ना लाए, तो तुम की समझते हो जो ग्रीन स्पेस हैगा वह वेला प्या रहेगा? नो वे, उत्थे डैंडलाइंस पैदा होंगे, उत्थे माड़ा घा पैदा होएगा। तुसी अपने विचारां ते थॉट्स ते कम ना करो ते की सोचते हो, मन वेला बैठा रहेगा? नौ वे, ये अपनी दुनिया सिरजेगा। ते जदों जिहड़े बंदे कम नहीं करते उन्हां लई फिर वढ़न वाला कम ज़्यादा हो जाता है, उन्हां नूं विचारां दी जिहड़ी इन्नी ज़्यादा फसल अपने आप उगी जा रही है, या तो उहदी बंदा जिहड़ा हैगा हारवेस्टिंग करेगा उस रूप विच वढ़ेगा, उहदा फल प्राप्त करेगा, या फिर बंदा सियाणा होएगा, उह कहिंदा नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू हारवेस्ट, आई वॉन्ट टू कल्टीवेट इट, मैं सारी वेच ही वाह देना। स्वे शिव रूप, फिर कली वाण नाल काम थोड़ा चलेगा, दोबारा फिर उगेगा ब्रह्मा, बीजन वाला रूप लैके आदि बीज भी। तो फिर अगला लफज क्या सुने, ईशर ब्रह्मा इंद, इंद इंद इंद्र का दा देवता है जी, बरसात का, ग्रीनरी वो आती है, जे मीह पएगा पानी पएगा सिंचिया जाएगा लाए हुए बूटे, ता ही बूटा उगेगा ना, जे सिंचांगे नहीं तो बूटा वड्डा किवें होएगा। तुसी विचार लै लिया पर विचार नूं तुसी पालिया ही नहीं, तुसी सिंचे ही नहीं, तुसी उन्हूं फॉलोअप ही नहीं किया, तुसी प्रॉपरली उन्हूं जिहड़ा सांभिया नहीं गा, डेफिनेटली खिर जाएगा। यह चीज़ा होंदिया ने, लोग ने, मैं माफ़ी मंगागा, साडे मैंटल हैल्थ या जिहड़े काउंसलिंग साइट्स ते साडे एथिक्स पढ़ाए जांदे ने सानूं, ते एथिक्स पढ़ाए जांदे ने 2 साल च एक बार, बंदा एथिकली स्ट्रोंग रहे एवें ना गलत काम करी जाए, तो वह एथिक्स जो पढ़ाए जाते हैं एवं फॉरमैलिटीज होंगी है, तो पढ़ के इस रूप के जोड़ा है इस तरीके साढ़े जेल च भी होंगे, साल के दो वरी भेजते हैं पेपर, वो पढ़ के फटाफट साइन जे कर दो, उस रूप विचार बड़े वधिया लिखे होंगे ने, ख्याल बड़े वधिया ने, हर एक बंदे प्रॉपरली डील करो, सिक्खी का सारा थॉट है,
सब विच रब की जोत वेखो, सारे तुहाडे वर्गे ने, जे तुहानू पेन हुंदी दूजे नू भी हुंदी, मतलब किसे दी किसे किस्म की बीमारी किसे किस्म का भी तुसी जिहड़ी डिसएडवांटेज ना लवो, उहदी एक्सप्लोटेशन ना होए सारे दे उत्ते। पर हकीकत यह है जो असीं प्रैक्टिस च वेखदे सारा कुछ हो रहा होया कि थॉट ते चंगा दिता है पर थॉट नू पाणी नहीं पाया, उहनू सांभिया नहीं। जदों सांभिया नहीं गा वह थॉट फिर उस लैवल ते जिहड़ा हैगा उहनूं उस तरीके नाल हारवेस्ट लैकर लैवल ते नहीं लिआंदा जा सकता, उहदा फल नहीं खादा जा सकता। गुरु साहब कहिंदे सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख सला हनुमंद। इहदे बाबत दो अर्थ लियांदे गए ने, एक अर्थ यह ने जिवें भाई वीर सिंह कहिंदे कि जिहड़े मंदे मुखां वाले लोग भी ने वह भी सलाउण गोचरे हो जाते, सलाउण जोगे हो जाते। सुनिया मुख सला हनुमंद भी मंदे जिहड़े मुखां वालियां नूं भी सलाया जाण लग जाता हैगा। ये अर्थ ग्रामेटिकली ठीक नहीं लगते, चलो वैसे भावें मन भी ले जाण, पर जो सही रूप देखते हैं मुख सलाहन मंद वह मूँह जिहड़े मंदा बोलण तो बिना कुछ और बोल ही नहीं सकते, वह भी सलाउण वाली गल्लां करन लग जांदे, उन्हां च भी सलौता उन्हां च वो चीज़ आउणी हो जाती। क्यों? क्योंकि जो पाईआ भांडे विच वस्त सा निकला है, जिहड़ी चीज़ तुसी सुराही दे मोटे गले चो पाई हैगी है जिहड़ा छोटा उहदा खास करके मूँह हैगा उहदे चो बाहर निकल। कन्न इस करके दो ला दिते गए ना वध इहदे च पाया जा सके, मूँह एक लाया गया तो उहदे भी कई काम दे दिते, सब तो वध काम तो खाण दा देता। बंदा जे बोलना भी चाहे तो 24 आवर बोल नहीं सकता, लगातार बोलना चाहे अल्टीमेटली खाण लई तो जीभ रोकनी पएगी ना, हाँ सुन सकता। कन्न तो यह भी है जीभ बोलने लई एफर्ट पाउणी पैणी है, कन्न खुले ने कोई उहदे च पर्दा नहीं कुछ नहीं, पर मुश्किल यह है बंदा अपने थॉट्स विच इन्ना गवाचा उहनूं सुणाउणा भी चाहो सुणदा ही नहीं गा। That is one of the actually you can say very biggest issue we all have with ourselves. We have to work on it. Bachan continue hai ge ne jidi vichar aunde kal karange ajj vaste ditta sama samapt hai bhai sahab samapti karon ke mainu ijazat deni keh dena ji. Wahiguru ji ka khalsa, wahiguru ji ki fateh.